हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक कटोरी मैदा और उसी कटोरी का हाफ हम यहाँ पे लेंगे सूजी और 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और गुनगुने पानी से हम इसका डो बना लेंगे जैसे हम घर का आटा लगाते हैं नॉर्मली वैसे ही। ये देखिए, गर्म पानी से मैंने इसका आटा अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसे हाथ की हेल्प से एकदम गोल कर देंगे जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़े को करते हैं, एकदम वैसे ही। अब हम फ्लोर पर 1 चम्मच मैदा डाल के इसके ऊपर डो को रख के इसको अच्छे से रोटी की तरह बेल लेंगे। पहले इसको हाथ से ऐसे प्रेस कर लें, फिर उसके बाद से बेलन की हेल्प से इसको गोल गोल रोटी की जैसे बेल लें। ये देखिए रेडी हो गया, एकदम रोटी की जैसे गोल बन गया है। अब हम फोक की हेल्प से इसमें छोटे छोटे छेद करेंगे ताकि ये रोटी की जैसे फूले नहीं, हमें बिल्कुल इसको फुलाना नहीं है। दोनों साइड से हम फोक की हेल्प से इसमें छेद कर देंगे। अब मैं आपको एक और डो बेल के बता देती हूँ सेम प्रोसेस से। अब हम नॉनस्टिक की पैन लेंगे, उस पर अपने इस जो हमने रोटी बेली थी वो डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम में हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। 5 मिनट बाद हम इसको दोबारा से दूसरी साइड पलट देंगे। ये देखिए, एक साइड से हमारा पिज़्ज़ा बेस जो है सिक चुका है अच्छे से। मैंने इसको दूसरी साइड पलट दिया है। ये देखिए, अच्छे से सिक चुकी है और ये पिज़्ज़ा बेस हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट तक और तब तक मैं अपना दूसरा पिज़्ज़ा बेस रेडी कर लेती हूँ। सेकंड वाले पिज़्ज़ा बेस को मैं ऊपर से ढक के बनाऊँगी। आप चाहे तो किसी भी प्रोसेस से बना सकते हैं। आप पिज़्ज़ा बेस को पहले पैन में डालिए और ऊपर से प्लेट या किसी भी चीज़ से इसको कवर कर दीजिए। ये देखिए, हमारा ये वाला पिज़्ज़ा बेस भी बन के रेडी हो चुका है। आपको अगर पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है और आपको पिज़्ज़ा बेस कहीं मिल नहीं रहा है तो आप मेरी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना और पिज़्ज़ा बेस को 20 मिनट बाद ही यूज़ करें, अदरवाइज़ ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा। और पिज़्ज़ा बेस को गरम गरम फ्रिज पे ना रखें, रूम टेम्परेचर पे ही रखें।